ऐसा कौन सा शक्तिशाली योद्धा जिसने प्रभु श्री राम को युद्ध में हरा दिया था? जब बात भगवान श्री राम की हो तो सहज ही उनके परम भक्त हनुमान जी का नाम भी स्मरण हो जाता है। दोनों के बीच भक्त और भगवान का जो संबंध देखने को मिलता है वैसा कहीं और संभव ही नहीं है। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान राम तथा हनुमान जी के बीच युद्ध भी हुआ था जिसमें हनुमान जी ने भगवान राम को हरा दिया था? दरअसल कहानी इस प्रकार है कि कैवर्ट देश के राजा सुकंत को देवर्षि नारद ने महर्षि विश्वामित्र का अभिवादन करने से मना कर दिया और सभी राजाओं एवं ऋषि मुनियों का अभिवादन करने को कहा। राजा सुकंत ने वैसा ही किया। इस पर महर्षि विश्वामित्र रुष्ट होकर प्रभु श्री राम के पास गए और सुकंत को दंड देने को कहा। इस पर प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र की सौगंध खाई और कहा कि कल सूर्यास्त तक राजा सुकंत यमलोक भेज देंगे। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला वह नारद मुनि के पास गए और व्याकुल होकर जब वह रोने लगे तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कह सुनाई, साथ ही प्राण दान की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने के लिए कहा। यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे। वह माता अंजनी के पास गए और कहा कि माता मेरी रक्षा कीजिए, एक राजा मेरे प्राण के पीछे पड़ा है। माता अंजनी ने उसके प्राण की रक्षा करने का वचन दिया। जब पवन पुत्र हनुमान को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रभु श्री राम की वचन खाकर कहा कि राजा सुकंत की वो रक्षा करेंगे। लेकिन जब हनुमान जी को उस राजा का नाम श्री राम है तो वह सोच में पड़ गए। फिर वो सीधे प्रभु श्री राम के पास गए और बोले कि प्रभु मैं एक निर्णायक युद्ध करने जा रहा हूँ, मुझे विजय होने का आशीर्वाद दें। तो प्रभु श्री राम ने उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमसे युद्ध में कौन जीत सकता है। इसके बाद प्रभु श्री राम राजा सुकंत का वध करने चले गए। परंतु जब वहाँ राजा के पास महाबली हनुमान को देखकर चौंक गए और पूछा, हनुमान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप ही वह राजा हैं जिनसे मैंने विजय होने का आशीर्वाद आपसे लिया है। तब राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं तो उसे मारूंगा ही। यह कहकर प्रभु श्री राम राजा सुकंत पर बाण चलाते हैं। तभी वहां हनुमान जी आकर श्री राम, जय जय राम का जाप करने लगते हैं और वह दिव्यास्त्र निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार प्रभु श्री राम के हर एक दिव्यास्त्र श्री राम नाम के आगे विफल हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन यह क्या, उस बाण से पवन सुत के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवन सुत के हृदय में तो श्री राम बसते हैं। जय प्रभु श्री राम की। जब प्रभु राम की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि पवन पुत्र हनुमान भी मूर्छित हैं, तो वह जाकर हनुमान जी के सर पर हाथ फेरते हैं। तब हनुमान जी राजा सुकंत को आगे कर देते हैं। भगवान श्री राम का हाथ राजा सुकंत के सर पर रहता है। तभी हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप तो इसे क्षमा कर दीजिए, इसके ऊपर आपका हाथ है और जिसके ऊपर आपका हाथ हो उसका जीवन मरण आप ही के हाथ में है। धन्यवाद।